सैलिवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती है इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 टाटा टियागो, ये इसका XM वेरिएंट है और ये उनके लिए बेस्ट है जिनका बजट थोड़ा कम है और थोड़ा माइंड के अंदर ये चीज़ रहती है कि कुछ भी हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, बट कंपनी एंड से हो, बाहर से हमें कुछ ना कराना पड़े, प्रैक्टिकल सी चीज़ें मिल जाएँ, बस उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। सेफ़ हो गाड़ी, एक फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, थोड़ा सा स्पेस अच्छा मिल जाए गाड़ी के अंदर हमें, और बस ज़्यादा मतलब ऐसी इच्छाएं नहीं है कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए वाला काम नहीं है जिनका, जिनको एक प्रैक्टिकल सा प्रोडक्ट चाहिए कम बजट के अंदर, तो ये आप प्लान कर सकते हो। 6 लाख रुपये एक शोरूम आपको कॉस्ट करता है इसका ये XM वेरियंट। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिकल मिलती हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। पहली चीज़, गाड़ी की चाबियाँ कुछ इस तरीके की आती है। यहाँ पे जो मेन की है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए, इस बटन से कुछ होता नहीं है। तो एक ये चीज़ है, यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। बाकी सेकेंडरी की जो है वो नॉर्मल सी आती है, यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। अब इसको पॉकेट में रख लेते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर मैंने यहाँ शो कर दी इसकी डायमेंशन, देख लेना लेंथ विड्थ हाइट क्या है गाड़ी की। बाकी बोनेट के ऊपर भी देखोगे तो थोड़ा ऐसा है कि ये लाइंस वगैरह कर्व्स वगैरह कुछ इस तरीके से हैं कि बेशक आप थोड़ा कम पैसा दे रहे हो, ये ऑन रोड भी आपको 6.5 के आसपास पड़ जाती है। तो एक चीज़ भी क्लियर कर दूं, तो ये मत सोचना कि कम पैसा दे रहे हो तो चीज़ें मतलब कुछ ऐसी मिलेंगी मज़ा ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टाइलिश लगती है देखने में, एक मतलब कहते ना कि शहर के मतलब से एक प्रोडक्ट हो, तो वैसा तो कुछ ये लगती है, बढ़िया लगती है देखने में अगर एक फैमिली कार आप सर्च कर रहे हो कम बजट के अंदर। फ्रंट से यहाँ पे देखें तो एक सिंगल बल्ब आपको मिलता है, एक सिंगल हैलोजन बल्ब आपको मिलता है लो बीम हाई बीम के लिए। यहाँ पे पार्किंग लाइट है अंदर, यहाँ पे इंडिकेटर है, ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल आ जाती है, ये क्रोम की स्माइल एज इट इज़ आती है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे टाटा का लोगो है, ये चीज़ें खाली आती हैं, यहाँ पे कुछ आता नहीं है। तो आप चाहो तो आपका मन करे तो कभी आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो फॉग लैंप्स वगैरह, जो भी आपकी मर्जी है, कराने हैं नहीं कराने वो भी एक अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आएगी और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो सब एयर इनटेक के लिए ही है, तो अच्छा खासा एरिया भी इसको मिल जाता है एयर इनटेक के लिए। साइड में आते हैं तो साइड से भी आप देखोगे तो अच्छी लगती है देखने में, बढ़िया सा कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट लगती है। साइड में टायर्स वगैरह की बातचीत करें तो यहाँ पे टायर सेक्शन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, स्टील व्हील्स हैं, व्हील कैप है, टायर्स अपोलो के हैं फिलहाल जो डले हुए हैं। टायर सेक्शन जो है वो है 175/65R14, 14 इंच के स्टील व्हील है। यहाँ पे आगे डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, ऑलमोस्ट 170mm और 180mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ये नंबर्स में आपको शायद थोड़ी कम लगे बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लाइंस वगैरह हैं गाड़ी के ऊपर, ओवरऑल अच्छी लगती हैं। ग्लॉसी ब्लैक ORVM से मिल जाते हैं, ये एक बढ़िया चीज़ है, इंडिकेटर्स के साथ हैं। और फेंडर आपका क्लीन है, जो कि मतलब अब तो जमाना गया उसका कि फेंडर पे इंडिकेटर है, बट स्टिल किसी का इतना भी बजट ना हो तो इससे नीचे भी एक और मॉडल आता है जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब इंडिकेटर ये फेंडर पे आ जाएगा। बट अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली यहाँ तक जाओ, थोड़ा इंक्रीज़ करके, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैट ब्लैक टूर हैंडल्स हैं, फ्रेम लाइन मैट ब्लैक है, प्लेन ग्लासेस हैं, ये प्लस वगैरह सब बॉडी कलर्ड हैं, नॉर्मल एंटेना है। पीछे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्लॉसी ट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया, ये एलिमेंट्स वगैरह हैं। स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर नहीं आता है यहाँ पे। हैलोजन सेटअप है, पीछे टाटा का लोगो है, टियागो मेंशन है। और बूट खोलने के लिए चाबी आपको यहाँ से डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसको अंदर से भी खोल सकते हो। पीछे दो पार्किंग सेंसर्स भी हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी नंबर प्लेट इस वाले पार्ट के ऊपर, और ये है सारी चीज़ें, बढ़िया आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। अभी बूट आपको दिखा देता हूँ मैं खोल के चाबी से ही, तो ये इसकी चाबी है मेरे हाथ में और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा बूट। और अभी कितने लीटर की स्पेस है वो आपको दिखाता हूँ, पार्शियल ट्रे है यहाँ पे और ऑलमोस्ट 242 लीटर्स की बूट स्पेस है। मतलब आप देखोगे तो आपको नंबर्स में थोड़ी कम लगेगी बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम चला देगी, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है ये मिलता है आपको, थोड़ा छोटा मिलेगा ये आपको, वो बता देता हूँ कितना छोटा है। JK का टायर है पहली चीज़, तो ये आपको अलग मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है 155/80R13, तो ये 13 इंच का स्टील व्हील है, तो साइज़ में भी थोड़ा छोटा है। स्टील व्हील है, स्टील व्हील तो ये भी है बट ये थोड़ा सिल्वर कलर का स्टील व्हील है और थोड़ी चौड़ाई भी कम है इसकी। और इसको भी कर देते हैं बंद, स्पेस क्या है अंदर और चीज़ें क्या हैं उसकी बातचीत करते हैं। बाहर से तो देखो कंप्लीट सी ही लग रही है ओवरऑल, तो जी चीज़ें शुरू होती हैं यहाँ से जो आपका दिल जीतेंगी। लाइक यहाँ पे ORVM आप देख सकते हो, ये अपना इलेक्ट्रिकल आप एडजस्ट कर सकते हो। चारों पार विंडोज़ मिल जाती हैं, विंडोज़ के लॉक स्पीकर हैं, बोतल होल्डर है और यहाँ पे 4-way मैनुअल एडजस्टेड फैब्रिक सीट मिलती है। यहाँ से खुलेगा
फ्यूल लिड, यहाँ से खुलेगा बोनट। तीन पैडल्स हैं, डेड पैडल के लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट है, स्पेस है, बोनट खोलने का लिवर है। और अभी चलें गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर वाइज आपको सारी चीज़ें एक बार दिखाता हूँ इसकी ऑन करके। लो जी, अच्छी खासी थर्ड आती है और टाटा अपनी सेफ्टी के लिए ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो इस गाड़ी के साथ भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं मिलता है। अच्छी खासी तो अपनी सॉलिड जो है थर्ड आती है हर पैनल के साथ। और ये मैं आपको ऑन कर दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके की आएगी चाबी जो कि डलेगी यहाँ से, और इसे मैं एक बार ऐसे घुमा देता हूँ तो स्टेयरिंग व्हील जो है ये अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह जो है ये तो ऑन नहीं होता है, इसको ऑन करने के लिए चाबी एक बार और घुमानी पड़ेगी, जिससे ये दोनों चीज़ें एक साथ ऑन हो जाएंगी, लाइक कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। तो ये लो जी, इसको भी एक सेकंड बंद ही कर देते हैं जी। तो ये डिजिटल है, जो बेसिक डिजिटल आता है। यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह जो है वो नंबर्स में दिखेगी, यहाँ पे आरपीएम इधर की साइड दिखेंगे डिजिटल, यहाँ पे टेम्परेचर, फ्यूल, बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेट ही सेट करनी हो तो ये स्टिक्स वगैरह जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, और यहाँ पे आ जाते हैं हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल, और जो लाइट लेवलिंग डायल है वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ये कुछ इस तरीके से। स्टेयरिंग की बात करें तो थोड़ा सा फ्लैट बॉटम है, इस पर कोई कंट्रोल्स नहीं है, लेदर रैपिंग नहीं है, बाकी इन हैंड फील अच्छी है, आपकी मर्जी है, आप जैसा कुछ कराना चाहो उसके ऊपर करा सकते हो। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और डेड पेडल एक अच्छी जगह पे प्लेट है तो उसकी वजह से काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। वो चीज़ मैं आजकल पहले चेक करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी एक गाड़ी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी, भाई इतनी महंगी गाड़ी और उसके अंदर डेड पेडल नहीं था, तो बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई इसका काम क्या है, क्यों इतना होता है। भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ है, कभी जब लंबा चलोगे तो आपको समझ में आएगा, आपकी क्लच प्लेट जो है वो फूकने से बच जाएगी इसकी वजह से। तो उसका किसी दिन और बताऊंगा किसी और दूसरी वीडियो में, फिलहाल इसकी बातचीत करते हैं। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक बढ़िया सी ब्राइट लाइट मिलती है व्हाइट कलर की, एक सिंगल लाइट है जो कि आगे पीछे कॉमन है दोनों रोज के लिए। यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट सा सॉलिड सा मटेरियल है। यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, माइक की प्लेसमेंट है और टिकट होल्डर की प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाती है। डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा सा डैशबोर्ड है, अभी इसको साइड में करके वैसे ही बताता हूँ आपको। ये लो जी, काफ़ी बड़ा सा डैशबोर्ड है, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। डुअल शेड में है, बेज नहीं है, ये ब्लैक है, ये थोड़ा ग्रे है, बाकी चीज़ें जो है अच्छी है और काफ़ी खुली खुली लगती है गाड़ी, ऐसा सफोकेशन जैसा बिल्कुल आपको फील नहीं होगा इसके अंदर, ये भी एक अच्छी चीज़ है। एसी वेंट्स, हेजालाइट की बटन, ये हार्मन का सेटअप है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो सब कुछ टच में है नॉर्मल, बट ये जितनी भी कंट्रोल्स आप देख रहे हो सब टच में मिलते हैं आपको। ये एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे एक टॉयो का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे USB पोर्ट है, स्पेस है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा, ये कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल कंपार्टमेंट्स हैं और अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ये है सारी चीज़ें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी फटाफट से पीछे चलते हैं, पीछे क्या स्पेस है, क्या कंट्रोल है, क्या कंफर्ट है, उसकी बातचीत करते हैं। अभी ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, जो कि ऑलमोस्ट एडजस्टेड ही है, थोड़ी सी और आगे कर लेता हूँ बस, जी हाँ ऑलमोस्ट मेरी पोजिशन पर, बढ़िया एकदम। अभी चलते हैं पीछे और पीछे क्या स्पेस वगैरह है ये आपको कोशिश करते हैं वन टेक में ही समझाने की, अगर कोई कट ना लगे तो, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि वीडियो बंद करनी पड़े। तो अभी फटाफट से चलते हैं पीछे, अभी आपको दिखा देता हूँ कि इस फैमिली कार के अंदर पीछे क्या स्पेस मिलती है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ सेम है, जैसा आगे वाले डोर पैनल्स हैं डुअल शेड में सेम वैसे ही मिलते हैं। ट्विटर है, स्पीकर आगे दो ही आते हैं, यहाँ पे डोर लिवर है, पावर विंडो कंट्रोल है, बोतल होल्डर वगैरह सारी चीज़ें। अभी स्पेस आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको मज़ा आ जाएगा। सीट जो है काफ़ी कम्फर्टेबल है, मतलब कम्फर्टेबल इन दी सेंस काफ़ी कुछ नहीं सीट्स हैं। इसको लगा लेते हैं एक बार, यहाँ पे लेग रूम में कोई कमी नहीं है, थाई रूम में थोड़ा 19-20 आपको लगेगा क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कम है इसकी, बट सीट के नीचे स्पेस अच्छी मिल जाती है तो पूरे पैर आप फैला लेते हो तो फिर आपकी थाई जो है वो रेस्ट कर जाती है इसके ऊपर, तो वो 19-20 आपको फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसमें। हल्का फुल्का फील होगा बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा, कंफर्टेबल सीट्स हैं। और यहाँ पे हेड रूम आप देख सकते हो कितना मेरे पास, और ये आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है 5'9" के हिसाब से। यहाँ पे हम्प ज़रूर है बट बैठ जाएंगे आराम से 3 बंदे। यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी, पॉकेट इधर नहीं है, इधर भी नहीं है,
और ये पीछे से ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, आप देख सकते हो लेआउट्स वगैरह कुछ इस तरीके के हैं। यहाँ पे एक दो तीन ग्रैब हैंडल्स हैं जो कैसे इजी फोल्ड हो जाते हैं, आगे के दोनों ही एडजस्टेड हेडरेस्ट है, पीछे वाली सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। अब इसका इंजन भी आपको दिखा देता हूँ कि इंजन बे कैसा दिखता है और उसकी पावर फेयर्स वगैरह क्या है। बाकी यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। इंजन के यहाँ पे हम बातचीत करें तो पहली चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन पैडिंग वगैरह आपको मिल जाती है। इंजन के यहाँ पे बातचीत करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 84 bhp एंड 113 Nm के आसपास का टॉर्क और ऑलमोस्ट 35 लीटर्स के आसपास की फ्यूलिंग कैपेसिटी आती है जिससे 20 km/h की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बाकी फेज टू में कन्वर्टेड इंजन है तो काफ़ी साइलेंट हो गया चलता है, वाइब्रेशन वगैरह कुछ ज़्यादा करता नहीं है ये। बाकी ये आपके सामने इसका इंजन बे है, इसको हम कर लेते हैं बंद 1 सेकंड और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने 2024 टाटा टियागो XM वेरिएंट था, उनके लिए बेस्ट था जिनको एक कंपनी फिटेड चीज़ों के साथ प्रोडक्ट चाहिए और बजट ज़्यादा है नहीं, 7 लाख तक भी आपको नहीं जाना तो आप डेफिनेटली इस तरफ जा सकते हो। स्पेस अच्छी मिलती है, फीचर जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से, सेफ्टी मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही। बाकी सबके अपने अपने POVs होते हैं, किसी को इसके अंदर 50 कमियां दिखेंगी, किसी के हिसाब से प्रोडक्ट परफेक्ट भी होगा। तो आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।